नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं आपको दोस्तों ऐसे ही सेम ट्रैक्टर का रहेगा, आई थिंक टोटल ये रहा मिसलेनियस MISCD में मिलेगा आपको ट्रैक्टर का। फर्स्ट पार्टी कर सकते हो आप कॉम्प्रिहेंसिव। इंडिविजुअल वही है अगर पर्सन के नाम RC है, कॉर्पोरेट आपको तब करना है जब किसी फर्म के नाम पे हो। रोल ओवर न्यू मत करिएगा, बस न्यू तब है जब हम शोरूम से निकालेंगे। ये रहा ट्रैक्टर, ट्रोली का स्टैंड अलोन अलग है, आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। गो पे क्लिक करना है दोस्तों, सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। अगर पिछला पॉलिसी कंटिन्यू है, सिस्टम को पता लग जाएगा कि भी अभी उसमें टाइम बचा है, तो वो आपको पेमेंट पे लेके चला जाएगा, अदरवाइज वो आपको इंस्पेक्शन वाला मैसेज दे देगा। सेम ऐप है जो इसमें हम प्राइवेट कार का इंस्पेक्शन करते, वैसे हम इसमें करेंगे। अब हम कोई भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं इचर का ही ले लेते हैं ट्रैक्टर, स्वराज का भी है तो हम दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर का मॉडल एक्चुअली आपको RC पे ही मिलेगा एग्जैक्ट, तो ये ले लेते हैं। 557 आता है इनका एक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, इसका हॉर्स पावर 57 है। कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन डेट पे क्लिक कर देना है, जो भी RC पे है आपको वही डालना है। रजिस्ट्रेशन डेट अपनी मर्जी से नहीं डालना हम लोगों ने। ये हो गया, यहाँ पे हम उसका RTO, किस RTO या SDM ऑफिस से वो RC इशू हुई है आपको उस पे मिलेगा, वही डालना है। यहाँ पे आपको उसका पिछला पॉलिसी कब खत्म हुआ कब नहीं वो डाल देना है। मैं अभी सिर्फ डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ इसको, तो ये आपको पिछली पॉलिसी पे ही मिलेगा। पॉलिसी नंबर दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों आपने क्लेम ले लिया है अपने व्हीकल पे, तो ये आपको पूछेगा कितने क्लेम लिए हैं, तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4। NCB नहीं पूछेगा, अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो ये हमसे NCB पूछेगा, तो जितना उसकी पिछली पॉलिसी पे NCB आपने वही लेना है। नेक्स्ट कर देना है। अगर कस्टमर को देखिए दोनों कराने हैं, ट्रॉली भी कराना है उसको अपना और ट्रैक्टर का भी कराना है, तो वो यहाँ ऑप्शन आएगी कि उनको जब दोनों का एक साथ कराना है। अगर ट्रॉली ट्रॉली कराना है, तो मैंने स्टार्टिंग में जहाँ सिलेक्ट किया था ना ट्रेलर, उस सॉरी ट्रैक्टर उसके ऊपर ही था स्टैंड अलोन ट्रेलर, यहाँ आपको ये डालना है चेसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट। यहाँ आपका ये आ गया, ये देखिए दोस्तों ट्रेलर ओडी इसको हम कहते हैं, उसकी ट्रॉली अगर उसका भी करना है आपको, ये आ गया उसकी आईडी भी डाल देते हैं हम जो है। यहीं पे आपका जो ट्रैक्टर का नंबर है आपको वो सेम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में डालना है, ध्यान रखना इस चीज का, चेसी नंबर भी सेम आएगा। ये मैं डाल देता हूँ दोस्तों, बाकी आपका दोस्तों अब सेम चलेगा एज इट इज। आपको बस अब नेक्स्ट पेज पे होना, डिटेल वगैरह डालना है, ये इनवैलिड दे रहा है कुछ, इसमें हो गया होगा दोस्तों करेक्टर यूज हुआ था जैसे। अब दोस्तों ओनर डिटेल डालना है, इसके बाद वो आपको मेक पेमेंट पे लेके चला जाएगा। अब कुछ इसने आई थिंक दोस्तों एरर तो नहीं दिया है, अभी देखते हैं, कुछ नेट का इशू तो नहीं है। रिकैलकुलेट दोस्तों, या तो कुछ नेट का इशू आ गया है, अदरवाइज इसके बाद वो आपको नॉमिनी डिटेल और जो हाइपोथेटिकेशन वाला आता है ना, भी लोन वगैरह लिया है नहीं लिया, उसी पेज पे जाएगा। आपको बस उसको फिल करना है और पेमेंट आपका हो जाएगा। आई थिंक आगे चला गया दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों बस आपको यहाँ डिटेल डालना है और पेमेंट कर देना है। तो ये ऐसे आप ट्रैक्टर का कर सकते हो। अगर इंस्पेक्शन का केस होगा तो वो सेम आपको पॉपअप देगा, आप वहां से इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप प्राइवेट कार का फर्स्ट पार्टी विद इंस्पेक्शन कर सकते हैं,
गुड्स कैरिंग व्हीकल पिकअप, छोटा हाथी हो गया, या फिर ऑटो हो गया थ्री व्हीलर लोडिंग वाला, उसका थर्ड पार्टी कर सकते हैं, ट्रैक्टर का फर्स्ट पार्टी कर सकते हैं, विद इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो मोटर में आप ये सभी कर सकते हैं।